जब मार पड़ती है तो एक के बाद एक दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है। हालात जब बदतर हो तो नुकसान दर नुकसान होता जाता है। कुछ ऐसा ही तरबूज व खरबूजे की फसल करने वाले किसानों के साथ हुआ है। पहले तो यमुना के बड़े जल स्तर ने फसल को तबाह कर दिया था, अब जो बची थी वह लॉकडाउन में बेकार हो रही है। वही मंडियों के बंद होने से तरबूज व खरबूजे को किसान बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। दरअसल बागपत का तरबूज और खरबूजा प्रसिद्ध है। यहाँ यमुना खादर में करीब 25 गांवों के किनारे तरबूज और खरबूजे की फसल होती है। दोनों फलों का समय आते ही किसान भी तैयारी शुरू कर देते हैं और प्लेज तैयार करते हैं। यहाँ से तरबूज और खरबूजे को दिल्ली सहित आसपास के प्रदेशों में भेजा जाता है। किसान के चेहरे पर इस बार अधिक फसल होने की खुशी थी, लेकिन यमुना में पिछले दिनों जल स्तर अधिक हो गया था जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। उसके बाद जो फसल बची थी उसे बाहर भेजने की तैयारी थी, लेकिन वह भी लॉकडाउन में फंस गई। आलम यह है कि तरबूज व खरबूजे बाहर नहीं जा पा रहे हैं और किसान की आंखों आंसू है। यह परेशान है कि कैसे फसल की लागत निकल सके, क्योंकि किसानों ने कर्ज पर लेकर फसल तैयार की थी। अब लॉकडाउन में तरबूज व खरबूजा ऐसे फंसा कि उसे यमुना में ही फेंकना पड़ रहा है। वह बाहर न जा पाने के कारण खराब हो रहा है। अब बरसात से भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि कर्ज लेकर फसल तैयार की थी, मंडियों के बंद होने से फल बाहर नहीं जा पा रहा है। लोकल में इतनी खपत नहीं है, अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, कर्ज तक नहीं उतार पाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन कश्यप जी। लॉकडाउन का क्या फर्क पड़ रहा है तरबूज और खरबूजे की फसल पर? लॉकडाउन से ये फर्क पड़ रहा है कि मंडी नहीं खुल पा रही है। मंडी में हमारा माल जाएगा तो बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि बाहर के ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, ना ही हमारा माल दिल्ली जा पा रहा है। जा रहा है तो रास्ते में से उल्टा आ जा रहा है बाजी पर, और मंडी में धरा धरा माल सूख के लग रहा है। यहाँ पर की जो आप लोग देख रहे हैं, सारा बेल पे माल सूख रहा है। इधर से ही कर्जा मुक्त होना पड़ेगा इसमें जाके, क्योंकि बेल भी सूख के लग रही है। लॉकडाउन के कारण माल नहीं जाएगा तो फिर खेत की रखवाली भी नहीं कर पा रहे ढंग से, मंडी में नहीं जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्या लागत आई तुम्हारी इस पर? हमारी लागत इसमें 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा लागत, जो तक किया 40,000 रुपये का बीज है। इन्हों मान लो इसमें कई 2-3 किलो बीज लग जाता है, खरबूजे का भी और मतिये पेठे चकाई ये सब में पेठे चकाई तो बह चुकी है, और जो कि तरबूज और ये खतीरे आज तक भी धरे हैं। ऐसे ही जमनाने के बाद कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? जमनाने के बाद हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। ये दूर तक देख रहे हैं ना, जहाँ पे आदमी खड़े हैं, ये बुग्गी से परा तक चौकी पर है, प्लेज थी हमारी आधी कट चुकी है जमना से। और कि फिर दोबारा हम भी जलाए लॉकडाउन के कारण, कर्जे पे पीछे ले गए, उसमें भी ये कट चुका है, ये भी बेल चलने वाली है। फिर क्या नाम है आपका? संतोष। लॉकडाउन के कारण क्या नुकसान हुआ है आपको? बहुत नुकसान है हमारा, जमना में सब खेती खराब होगी। बोल रहे कुछ मंडी में मंडी खेती कुछ होगी, कुछ खराब होगी। लॉकडाउन से बीज नहीं मिला, बहुत नुकसान है। हमारी मंडी में नहीं जा रही लॉकडाउन के उसते, और सारी फसल सूख गई, और हम परेशान हो रहे बहुत। गरीब आदमी मारे जा रहे।